हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम IIT जेईई 2005 का बुक पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, FANBN and CN बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स सच दैट BN बराबर A2N एंड CN बराबर A2N+1, देन AN इज कन्वर्जेंट। तो इसके ऑप्शन है इम्प्लाइज AN कन्वर्जेंट बट BN नॉट कन्वर्जेंट, इम्प्लाइज BN कन्वर्जेंट बट CN नॉट कन्वर्जेंट, implies both convergent, or if BN and CN convergent then AN convergent। ये हमारे पास ऑप्शन है इसके। अब फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड कहें या कहें हम थ्योरम्स हैं। एक थ्योरम सिंपल है हमारे पास, इफ अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट्स All subsequence must be convergent। यानी कोई हमारे पास सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है तो उसके सबसीक्वेंस होंगे वो भी कन्वर्जेंट होंगे। तो सपोज हमारे पास AN बराबर था A1, A2, A3, A4... और डॉट डॉट ही चलता हुआ। तो यहां से हमारे पास BN बराबर क्या हो गया, A2N बराबर, इसको लिख सकते हैं हम A2, A4, A6... और इस तरह से चलता हुआ। और यहां से अगर CN बराबर देखें तो ये होगा A2N+1, तो इसको लिख सकते हैं हम A1, A2, A3, A4, A5 and A2N+1। तो फिर से यहां से अगर देखें तो हमारे पास BN जो है वो सबसीक्वेंस है ऑफ AN का, और इसी तरह से CN जो है सबसीक्वेंस है AN का। तो यानी AN कन्वर्जेंट है तो हमारे पास BN और CN दोनों कन्वर्जेंट होने चाहिए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी था। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, बट ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा था, अगर हमारे पास BN और CN कन्वर्जेंट है तो AN कन्वर्जेंट है। मतलब ऑप्शन सी थर्ड डी जो था वो कह रहा था हमारे पास इफ BN एंड CN कन्वर्जेंट देन AN कन्वर्जेंट, ये कह रहा था हमारे पास। बट फ्रेंड्स, ये होना ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये ट्रू हो, क्योंकि सपोज लेट एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते, लेट AN बराबर -1, 1, -1, 1, -1, 1, -1, 1, इस तरह से एक सीक्वेंस है। यानी कि इसको लिख सकते हैं AN बराबर -1, -1 to the power n, यहाँ पे n belongs to natural numbers, ये हमारे पास सीक्वेंस है। अब अगर हम यहाँ पे BN देखें तो BN बराबर क्या था, A2N, यानी सम पॉजिटिव वाले टर्म पे, तो इसको लिख सकते हैं हम पॉजिटिव पे 1, फिर यहाँ पे ये 1, फिर अगला 1, तो इस तरह से ये 1 आएंगे। यानी कि ये जो BN जो है वो कन्वर्जेंट है 1 पे, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे BN के लिए तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी वाला टर्म भी 1 है, ये आ गया। और अगर BN की बात करें हम, CN की बात करें तो CN के लिए हमारे पास यहां से ये कन्वर्जेंट हो गया, और CN की बात करें तो CN बराबर -1, क्योंकि CN बराबर क्या था A2N+1, तो ये -1, -1, -1, ये वाला टर्म आएगा सभी का, तो यहां से CN भी कन्वर्जेंट हो गया, क्योंकि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी CN बराबर -1, तो ये भी हमारे पास CN कन्वर्जेंट हो गया। बट अगर हम AN को चेक करें तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी AN बराबर हमारे पास -1 हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी कि अल्टरनेटिव या तो -1 वैल्यू है या 1 है, क्योंकि n पे वो डिपेंड कर जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास BN और CN जो कन्वर्जेंट थे वो इंप्लाई नहीं करते कि AN कन्वर्जेंट है, बट AN अगर कन्वर्जेंट है तो BN और CN को कन्वर्जेंट होना पड़ेगा, ये हमारे पास यहाँ से प्रूफ हो गया। तो इस तरह से फिर और भी क्वेश्चंस हम आगे की वीडियोस में लेंगे। यहाँ से हमारे पास ये कुछ रिजल्ट आते हैं
जो हमारे पास रिजल्ट थे वो रिजल्ट थे कि एक सीक्वेंस है, रिजल्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास सीक्वेंस। अगर ए एन सीक्वेंस, ए एन कन्वर्जेंट है तो इसके सभी ऑल सबसीक्वेंस सबसीक्वेंस मस्ट बी कन्वर्जेंट। और थर्ड और आता है हमारे पास, अगर सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है दैट देन ये इंप्लाई नहीं करता कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, ये इंप्लाई नहीं करता। तो इस तरह से हम यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं। तो इसी तरह से और भी नेक्स्ट वीडियो में हम और एग्जांपल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।